हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम राजद की संदेश की विधायक किरण यादव के आवास पटना में मौजूद हैं और कल की रैली की तैयारी जो है वो हम आपको दिखाते हैं और नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए जहां ये खाना बन रहा है। सबसे पहले तो पटना के लोगों को मैं खास चीज़ दिखा दूँ, ये जो बड़ी वाली पूड़ी है देखिए कैसे निकलेगी। ये देखिए इतनी बड़ी पूड़ी, फिर भी ये थोड़ी सी छोटी तो निश्चित तौर पर है क्योंकि कहा जाता है कि आरा और बलिया का जो क्षेत्र है बक्सर का, ये 200 ग्राम के आटे की एक पूड़ी करीब निकाली जाती है। और ये देखिए इसे सहज भाषा में कह लिया जाए तो ये हाथी के कान के जैसी ये पूड़ी है। देखिए कैसे लोग बेल रहे हैं और देखिए छोटी पूड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन देखिए कैसे जो बनाने वाले मिस्त्री मेरे ख्याल से वहीं से आए होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए किस तरीके से बेलन पे उठा ली जाती है पूड़ी को। ये खास इंतजाम आरा से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रैली में कल शामिल होने के लिए, ये देखिए। तो ये सब्जी, ये किस चीज़ की सब्जी है सर? पनीर है। पनीर, पनीर की ये सब्जी तैयार है। आरा के संदेश विधानसभा का यहाँ पर इंतजाम है। देखिए पूरी पूरी फूली है। देखिए देखिए पूरी, ये दिखाते हैं आपको, इधर दिखाते हैं और ये दिखाएं कि जब वो पूरी बन के यहाँ पर आई है। संभवतः शहर के लोग जो हैं, पटना के लोग तो इसे एक नहीं खा सकते हैं। और देखिए ये इतनी मुलायम होती है, इसको छू सकते हैं जरा है? और ये देखिए इतनी मुलायम होती है और ये फोल्ड इसलिए करके रखी जाती है कि ये कल शाम तक कह लीजिए या अभी ठंड का थोड़ा सा दिन है, ये परसों शाम तक इसकी मुलायमियत ऐसे ही रहेगी। क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र, और देख लीजिए ये पूड़ी की ये खासियत होती है, इसे कहा जाता है पूड़ी, देख लीजिए। और ये फिर जैसे ही आप फोल्ड करेंगे ये अपनी मुलायमियत के लिए ही जानी जाती है। और बिहार का ये जो दो तीन जिलों का क्षेत्र है, आरा बक्सर और उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, ये तीन जो इलाके हैं गंगा के किनारे वाले, वहीं ये पूड़ी जो है वो बनती है। और यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ज़रा सा खोल दीजिएगा और ये देखिए कितना बुनिया है इसमें, याद कीजिए कितना कम से कम मेरे ख्याल से तो एक कुंटल है ये। इसमें भी बुनिया, इसमें भी बुनिया। अब समझ, आप समझ सकते हैं कि ये पूरा बुनिया का क्षेत्र है। देखिए खुल रहा है, ये पूरा बुनिया का क्षेत्र है। ये डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं और हिसाब से मान लिया जाए तो ये 10 कुंटल के आसपास बुनिया है। और ये देखिए आलू गोभी, ये पनीर की सब्जी देख लीजिए, ये पूरा तैयार है। शाम के अतिथियों जो संदेश विधानसभा से पहुंचेंगे, स्वागत की तैयारी, मनोरंजन भी है, उस स्टेज तक भी हम आपको ले चलेंगे जहां शाम को मनोरंजन होगा। लेकिन इतनी अच्छी भव्य व्यवस्था सिर्फ आरा के लिए, आरा के वो भी संदेश विधानसभा के लिए, पूरा जिला के लिए है, आरा पूरा जिला के लिए। मेरा नाम हो रहा है मकान सिंह यादव। रो तो भोजपुरी आउट हुई। हाँ खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से वाला। मैं व्यवस्था कुल क्या होता? व्यवस्था कई लोग हैं, हम लोग सामूहिक रूप से व्यवस्था करते हैं। मैंने बोली महाराज, भोजपुरी में बोला। व्यवस्था सब कोई करता मिल के कर, ठीक ना? हाँ। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी के आह्वान पर महागठबंधन के महारैली जन विश्वास रैली में आदरणीय माननीय विधायक संदेश किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण प्रसाद यादव जी, लाखों आदमी के व्यवस्था हर हमेशा करते हैं। और जो भी भोजपुर के लोग आएंगे जम के छकेंगे और जम के गाना होई, गाना बजाना होई, हमेशा बड़की पूरी सब कुछ रहेगा। आज कोई नया हम लोग नहीं करते हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, आप भी व्यवस्था देख रहे हैं? हाँ, व्यवस्था देख रहे हैं। मोटा मोटी कितने लोगों की व्यवस्था? एक लाख आदमी, खुद आप देख सकते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने देख ही लिया। तो सोचिए 1 लाख भोजपुर के जिला को सिर्फ अकेले एक मतलब किरण देवी और संदेश की विधायक हैं और अरुण यादव जो हैं उन्होंने संभाल लिया है। इस तरीके से राजद में वो कर्मशील लोग हैं, वो वैसे निष्ठावान लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था जब भी रैली पटना में हुई है या जो भी कार्यक्रम हुआ है उसको संभाल लेते हैं।
देखिए तमाम कितने, ये अच्छा ये सब लोग जितने कारीगर हैं सब वहीं से आए हैं? सब वहीं से, सब भोजपुर जिले से। कितना दिन से पूरी बेल रहे हैं? दो साल से। कितना दिन से? दो साल से। हाँ तो आज से दू साल से बेलत रहो। हाँ तो गाँव में बेलत हो लगन में। हाँ हनु। हाँ अच्छा ये बताओ बहरी जाके कमाई ठीक बा ना? एजा रोजगार मिल जाता बिहार में? हाँ मिल जाता। हाँ सालों भर? हाँ सालों मिल जाला, सालों भर मिल जाला। देखिए ये जो हलवाई तबका है एक तरीके से कह लीजिए कि बिहार में दो महीने लगन नहीं होता है और दो महीने के बाद ये तमाम जो लोगों को आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं तमाम घरों में खाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ जो है वो बिहार में ही कर लेते हैं। देखिए करीब करीब मेरे ख्याल से 50 लोग से ज़्यादा हैं और देखिए सलाद की भी व्यवस्था है, सलाद भी कट रहा है, 100 आदमी कट रहा है, उधर भी कट रहा है, उधर भी लोग हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।